लोकसभा चुनाव के रणभेरी बजते ही पश्चिमी राजस्थान में एक बार फिर से राजनीति उफान पर है। यहां पर कांग्रेस बीजेपी के साथ निर्दलीय प्रत्याशी भी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। चुनावों में रोचकता की सबसे बड़ी वजह यही है कि कांग्रेस ने बड़ा माइंड गेम खेलकर आरएलपी के बड़े नेता को अपने साथ लेते हुए टिकट थमाकर कांग्रेस को मुकाबले में ला दिया। कांग्रेस ने उम्मीदवार राम बेनीवाल को प्रत्याशी बनाया। बेनीवाल सभी कांग्रेस पदाधिकारियों के साथ जनसंपर्क में जुट गए। वहीं बाड़मेर लोकसभा से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में शिव विधायक रविंद्र सिंह के चुनाव लड़ने से बीजेपी खेमे में बेचैनी साफ दिखाई दे रही है। कांग्रेस की एकजुटता पहली बार दिखी। आरएलपी और कांग्रेस दिखी एकजुट। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जोड़ने की कवायद, बीजेपी और भाटी को हराने का प्लान तैयार। पिछले तीन लोकसभा चुनावों में पहली बार कांग्रेस एकजुट नजर आ रही है। लोकसभा क्षेत्र में हेमाराम चौधरी के नेतृत्व में पूरी कांग्रेस एक जाजम पर दिख रही है, तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अमीन खान भी एक्टिव नजर आ रहे हैं। कांग्रेस प्रत्याशी उम्मीदवार राम बेनीवाल के समर्थन में कांग्रेस की एकजुटता की तस्वीर बायतू में हुए कार्यकर्ता सम्मेलन में दिखी। साथ ही हेमाराम चौधरी हर जगह प्रत्याशी के साथ पहुंचकर माहौल कांग्रेस के पक्ष में करने में जुटे हैं। दूसरी तरफ बायतू विधायक और कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य हरीश चौधरी भी नाराज कांग्रेस कार्यकर्ताओं को एकजुट करने में लगे हैं। पिछले दिनों उन्होंने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा था कि सबको साथ लेकर चले, कोई पराया नहीं, आरएलपी और कांग्रेस एक है। ऐसे में इस बार आपको एक ऐसा उम्मीदवार मिला है जिसको आप भली भांति जानते और पहचानते हैं। उम्मीदवार राम बेनीवाल कांग्रेस ज्वाइन करवाने से लेकर टिकट दिलवाने में जिले की कांग्रेस एकजुट नजर आई। हेमाराम चौधरी, हरीश चौधरी, मदन प्रजापत, पद्माराम मेघवाल, रूपाराम धंदे साथ थे, तो प्रत्याशी की घोषणा के साथ अब प्रचार में सभी मंच पर साथ नजर आ रहे हैं। विधानसभा चुनावों में कांग्रेस एकजुट नहीं थी, जिसकी वजह से 8 में से 7 सीटें गंवानी पड़ी थी। आपसी खींचतान में बुरी तरह से हारी कांग्रेस इस बार एकजुट होकर लोकसभा फतह करना चाहती है।